लेट्स क्रैक बियर 2021। हेलो दोस्तों, ये पोर्ट्रेट मैंने आपको बताया था कि एक ही ये दादाजी का जो फिगर है उसी को लेकर मैं अलग अलग पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पोर्ट्रेट मैंने स्केच करके रखा है उसका मेजरमेंट फिर से मैं ले रहा हूँ। देखो, नोज़ का जितना है उतना ही नीचे और उतना ही फोर हेड का। तो यहाँ तक मैंने एक लाइन खींच ली और यहाँ से अब मैं एक टीचर या तो फिर आपके पापा या तो फिर कोई भी ऐसा जो भी यंग मैं बनाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक लड़का बनाया था जो छोटा भाई या लड़का कोई भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैंने चश्मे के लिए एक लाइन खींच ली और ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोनों साइड यहाँ पर मैं सेम करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने ये चश्मे का बाहरी पार्ट जो है उसको मैंने निकाल लिया। चश्मे के बीच का जो जॉइंट रहता वो भी मैंने निकाल लिया। इसकी डबल लाइन वो भी यहाँ पर मैंने बना ली। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमें चश्मा निकालना है। तो ये जो दो लाइंस नोज़ के बाजू की जो लाइंस है, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो मैंने आईब्रो जो है कट कर लिए। तो यहाँ आईज की लाइंस भी मैंने ये नोज के बाजू के जो लाइंस है उसको कट करके मैं थोड़े स्ट्रेट बनाने वाला हूँ। वहाँ पर ज़्यादा ही थोड़े कर्व थे और यहाँ नीचे का जो पार्ट है उसको मैंने थोड़ा राउंड कर लिया। तो आप देख सकते हैं, ये बालों के लिए मैंने एक लाइन ऊपर से खींच ली और जो नेक है वो भी लाइन मैंने स्ट्रेट कर ली। तो यहाँ पर मैं उनकी मूछें निकाल रहा हूँ। तो फिगर मैंने वही ली है, स्केच मैंने जो दादाजी का है वही लिया है। उसी को मैं डेवलप करके कैसा हमें यंग बनाते आएगा ये मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ ये जो बाल है ये पूरी तरह पीछे के साइड टर्न किए हुए बाल, तो ये मैंने रफली उसको कर लिया। ये चश्मे की डंडी आप देख सकते हो किस तरह मैं बना रहा हूँ। आँख यहाँ पर थोड़ी मैंने साइड में कर ली और थोड़ी बड़ी कर ली और आईब्रो जो है वो चश्मे को टच हुए थोड़े ऊपर के साइड मैंने कर लिए। नोज़ के बाजू में दो लाइंस, ये चिन का पार्ट स्ट्रेट कर लिया और यहाँ पर ये शर्ट के लिए कॉलर, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं बालों की जो स्टाइल है वो मैंने पहले ही ली थी। अभी 10B पेंसिल से मैं डायरेक्टली ये जो बाल है ये मैं बना रहा हूँ। तो ये पीछे के साइड मुड़े हुए सब बाल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी आसान टेक्निक मैंने आपको बताया कि एक ही फिगर की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे और वही फिगर अगर निकाल लिए है तो उसको आप दूसरे एज में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। यंग रहे तो उसको ओल्ड एज करने के लिए क्या करना है वो पहले ही मैंने बताया।
पहला ही वीडियो जो है वो दादाजी का वीडियो, ग्रैंड पेरेंट्स का वीडियो मैंने बनाया था। नेक्स्ट उस पर से मैंने एक लड़का बना के दिखाया, और अब यहाँ पर मैं एक मिडल एज, यहाँ टीचर बोल सकते हैं, आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ अभी मैंने शेडिंग करने के लिए एक लाइन जस्ट दिखा दी कि कहाँ तक शेडिंग करना है, किस तरह शेडिंग आएगा। तो ये मैं वन टोन यहाँ पर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में शेड आएगी और राइट साइड में शेड कम आएगी। तो दोस्तों, नोज़ पर शेडिंग कैसे आएगी, चिक जो है वहाँ पर शेडिंग कैसे आएगी, यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है लिप्स के नीचे का, वहाँ पर नेक पर थोड़ी मैंने पहले से ही डार्क शेडिंग कर ली है। तो इस तरह आपको शेडिंग करनी है, ये काफ़ी आसान तरीका मैंने बताया है। और उसको मैं सॉफ्ट करने के लिए उंगली का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ रिपीट में आए शेडिंग थोड़ी उसको डार्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी जो कान है, ईयर्स है, वहाँ पर अंदर के साइड डार्क पार्ट आएगा और ऊपर के साइड लाइट लाइट पार्ट हमें दिखेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी मैं आसानी से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। जो नेक का पार्ट है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा डार्क, अभी यहाँ मैं आईब्रो बना के दिखा रहा हूँ, जो चश्मे से लग के ऊपर की साइड थोड़ी दिखेगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आईब्रो में, आईब्रो के लिए मैंने पेंसिल 4B का यूज़ कर रहा हूँ। अभी चश्मे का अंदर का पार्ट जहाँ जहाँ शेडो हमें नज़र आती है वहाँ वहाँ पर मैं शेडो दे रहा हूँ। तो ये चश्मा यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर भी मैं शेडो देने वाला हूँ। जब आग कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद उसके ऊपर भी मैं थोड़ी शेडो देने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने आँख जो है ये कंप्लीट कर ली, बीच में वाइट स्पॉट हमें छोड़ना है, जिसको हम हाईलाइट बोलते हैं ड्राइंग लैंग्वेज में। तो दोस्तों, नोज़ का जो अंदर का पार्ट है उसको भी मैंने डार्क कर लिया है, साइड से भी थोड़ा इधर डार्क आ जाएगा, यहाँ पर उसकी शेडो आएगी। नीचे का सामने वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर भी डार्क आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी लेफ्ट साइड की जो चीक है यहाँ पर देखो, अभी चश्मे के ऊपर भी मैंने यहाँ शेड दे दी है। अभी ये यंग दिखाना है मुझे, तो वो जो मूछ जो है उसको मैं डार्क करने वाला हूँ। तो ये मूछ का पार्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो किस तरह। अभी लिप्स और नीचे का पार्ट थोड़ा बाकी है। तो दोस्तों, काफ़ी आसान चीज़ है ये करना, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो लिप्स का बीच वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डार्क करना है, और ऊपर की जो लिप्स है वो थोड़ी डार्क रहती है और नीचे की थोड़ी लाइट रहती है। या आप ऐसे भी कोई भी पर्सन का अगर ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो ये आपको नज़र आएगा। लिप्स जो रहते हैं वो ऊपर का जो लिप्स है वो डार्क आता है और निचला जो है वो लाइट आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ उभरा हुआ पार्ट है वो लाइट दिखेगा, उसके बाजू वाला पार्ट लेफ्ट साइड का है वो थोड़ा डार्क हमें करना है।
तो ये थोड़ी हल्की हल्की मैं दाढ़ी दिखा रहा हूँ। वही दाढ़ी अभी ये साइड में भी दिखेगी, लेकिन इस साइड काफ़ी लाइट रहेगी, राइट साइड में काफ़ी लाइट और लेफ्ट साइड में थोड़ी डार्क। तो ये दाढ़ी का पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कानों के ऊपर की शेडिंग तो ये यहाँ पर कंप्लीट मैंने कर लिया है। अभी फोरहेड पे बीच में थोड़ी शेडो आएगी, क्योंकि वो थोड़ा अंदर पार्ट रहता। वैसे ही जो नेक है वहाँ पर देखिए किस तरह मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो कुछ जगहों पे ज़्यादा लाइंस हो गए तो वो मैंने इरेज कर लिए। अभी बाकी पार्ट जो है वो डार्क कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में कंप्लीट शर्ट पे शेडिंग आएंगी, लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है। राइट साइड में थोड़ा लाइट लाइट रहेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैं लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है, क्योंकि लाइट साइड में राइट साइड में लाइट रहने की वजह से वहाँ पर शैडो नहीं आएंगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं मेरी सिग्नेचर कर रहा हूँ। दोस्तों एक ही फिगर से मैंने कैसा बनाया है ये दोनों भी मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह ये दिखता है। कि पहली फिगर मैंने जो निकाली थी दादाजी की, ग्रैंड पेरेंट्स की, और उस पर से मैंने ये यंग एक टीचर पेरेंट्स जो भी आप चाहेंगे वो मैंने बना के दिखाया है। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये पहली फिगर थी, उस पर से मैंने ये एक फिगर बना के दिखाई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में लिखना है, और ये भी बोलना है कि कोई आपका क्वेश्चन होगा तो वो भी लिखना है। तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।